हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में आपका स्वागत है। देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। 13 अप्रैल के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो दोस्तों, खुद से वादा करो और पढ़ाई करते रहो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हौसला मत हारो, इरादा बनाओ तो सफलता ज़रूर मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से। चीन के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में भारत के निजी क्षेत्र के 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी हासिल करते हुए 1.75 करोड़ शेयर खरीदे, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा HDFC लिमिटेड। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों। इसके बारे में और जान लेते हैं। चीन के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में भारत के निजी क्षेत्र के HDFC लिमिटेड के 1% से ज़्यादा हिस्सेदारी हासिल करते हुए 1.75 करोड़ शेयर खरीदे हैं। माना जा रहा है कि ये विनिमय जनवरी से मार्च 2020 के बीच में हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सारे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दो नंबर क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था लगभग कितने प्रतिशत तक कम हो सकती है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा 1% तक, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक। इसके बारे में और जान लेते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था लगभग 1% तक कम हो सकती है। कोरोना वायरस की वजह से पिछले महीने में लगभग 100 देशों ने अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को बंद कर दिया। तो दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अगला क्वेश्चन होगा 3 नंबर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में COVID-19 के कारण किस पोर्टल में संशोधन किया, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों इनाम पोर्टल में संशोधन किया दोस्तों। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इनाम। इसके बारे में और जान लेते हैं दोस्तों। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में COVID-19 के कारण हालात को देखते हुए ई नाम पोर्टल में संशोधन किया, जो कि व्यापारियों को किसी दूरस्थ स्थान से बोली लगाने तथा किसानों को मोबाइल आधारित भुगतान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अगला क्वेश्चन होगा 4, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार देने की घोषणा की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किसने आयुष्मान भारत योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार देने की घोषणा की, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों केंद्र सरकार। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने इस फैसले का उद्देश्य परीक्षण और उपचार सुविधाओं की आपूर्ति में वृद्धि करना, तो दोस्तों ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन होगा, G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में किस देश को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा भारत। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ऊर्जा की खपत में केंद्र। G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत की ऊर्जा की खपत प्रमुख केंद्र घोषित किया गया है, बल्कि पहले से ही भारत ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र है। इस बैठक में मांग में कमी और उत्पादन अधिशेष के बीच स्थिर ऊर्जा बाजारों को सुनिश्चित करने में तरीकों पर चर्चा की गई दोस्तों। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन होगा, 13 अप्रैल 2018 को किस अभिनेत्री को 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों श्रीदेवी। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। इसके बारे में और जान लेते हैं। 13 अप्रैल 2018 को 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में श्रीदेवी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार और विनोद खन्ना को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। इन दोनों ने भारतीय सिनेमा में अपने जीवन काल में अतुल्य कार्य किया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के किस राज्य के महाराजा स्वाति तिरुनल का 13 अप्रैल 1813 में जन्म हुआ, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा किस राज्य के महाराजा, केरल। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों। 5 मिनट का वीडियो दोस्तों, कहीं पर भी इसको देख लें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के केरल राज्य के महाराजा और दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत परंपरा के सर्वोत्कृष्ट संगीतज्ञ में से एक स्वाति तिरुनल का 13 अप्रैल 1813 में जन्म हुआ था दोस्तों। आज 13 अप्रैल है तो 13 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन होगा आपका,
13 अप्रैल 2005 को भारत के चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने कौन सी बार विश्व शतरंज चैंपियन जीती? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों चौथी बार, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों 13 अप्रैल 2005 को। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। 13 अप्रैल 2005 को भारत के चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने चौथी बार विश्व शतरंज चैंपियन जीती थी दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन होगा आपका, संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के मुताबिक कोविड-19 के कारण किस देश में लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंसे हैं। तो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों भारत, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट ILO निगरानी के दूसरे संस्करण के मुताबिक भारत में इस वर्ष कोविड-19 के कारण अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं। तो ये अनुमान लगाया गया है दोस्तों 40 करोड़ भारत में गरीबी में फंसे हुए। हाल ही में किस देश ने तुष्टी समुदाय के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा रवांडा दोस्तों, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं, रवांडा देश में हाल ही में तुसी के खिलाफ 1994 के नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ये दिवस प्रतिवर्ष अप्रैल में अपने वार्षिक 100 दिनों के शोक की शुरुआत करता है जो तुसी अल्पसंख्यक के खिलाफ नरसंहार की याद दिलाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन ऑल एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।